मेरे सवालों से शायद आप बचने का कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जो राजनीतिक घटनाक्रम यहाँ पर हुई है, चर्चाओं का बाजार गर्म है, उन चीज़ों के ऊपर क्यों कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं आप? लोग जानना चाह रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अबुल्लैश इरम और आप देख रहे हैं उजागर मीडिया। मैं गुजर रहा था अभी इस रास्ते से, तो इस क्षेत्र की सबसे लोकप्रिय जिला परिषद सदस्य नगमारा कोई नहीं ऐसा होगा जो महगामा में अभी इनके नाम से वाकिफ ना हो। सोचा कि नहीं, इनसे एक मुलाकात हो जाए, इनसे जानकारी ले लूं, क्योंकि गुड्डा की राजनीति में पूरी तरीके से हलचल मचा हुआ है। जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, अभी राजनीति यहाँ की पूरी गरमाई हुई है। कोई इस तरफ जा रहे हैं, कोई उस तरफ जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन कोई किस तरफ जा रहे हैं। और यहाँ के जो MP है, यहाँ के जो MLA हैं, यहाँ के जो पूर्व MLA हैं, सभी ने इस जिला परिषद के अध्यक्ष के चुनाव में पूरी रुचि दिखाई है। हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने में कहीं पर से कोई उन्होंने कमी नहीं की है। कोई दिनकर की दोहा के साथ पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो कोई उसके रिप्लाई में भी दिनकर के ही दोहे को लिखा जा रहा है। आइए मुलाकात करते हैं नगमारा से और जानने की कोशिश करते हैं कि गुड्डा की जो राजनीति चल रही है, इस पर ये क्या विचार रखती हैं। सबसे पहले वेलकम है आपका एक बार फिर से। यहीं पर से शुरुआत हुई थी गुड्डा की राजनीति में, जब भूचाल आया था, हलचल मचा था, आप ही वो प्रत्याशी थे जहां पर से चर्चा का विषय मतलब कि खींचता गया थे। प्रदीप यादव का नाम, मोशन जय यादव का नाम, सब के नाम की चर्चा यहीं पर से स्टार्ट हुई थी। अब जिला परिषद का अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, बेबी देवी चुनाव जीत चुकी है, आप भी शपथ ले चुकी है, अब अपने पब्लिक को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उजागर मीडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बाइट लेने के लिए। मैं अपने पब्लिक को यह संदेश देना चाहूँगी कि अब मैं शपथ ग्रहण करके आ चुकी हूँ और हमारे अध्यक्ष का जो चुनाव था गोड्डा जिला में वो संपन्न हो चुका है। और मेरे यहाँ से जो भी घटनाक्रम हुआ, ये राजनीति का एक पहलू है, आप लोग इस पर ध्यान ना दें। और मेरे क्षेत्र की जनता ने जो विश्वास के साथ मुझे चुनकर भेजा है, मैं उस पर खरी उतरने का काम करूँगी। जो अध्यक्ष हमारे जिला परिषद हैं, सभी मिलजुल कर काम करेंगे और अपने क्षेत्र का विकास करने का काम करेंगे। दूसरी बार आप जिला परिषद बनी हैं, जनता ने मतलब यही है कि फिर से आपके ऊपर भरोसा जताया है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है, सोशल मीडिया का माध्यम हो या फिर चौक चौराहे पर बाजारों में लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर गुड्डा की राजनीति इतनी क्यों गर्माई? क्या आपका भी उसमें कोई हाथ था? क्या आपने भी उसमें भूमिका निभाई थी? जी नहीं, आपका कोई ये नहीं था। मेरा इसमें कोई रोल नहीं था, ये बड़े पैमाने पर बड़े नेता लोगों का ये रोल था। उन लोगों के बीच क्या चल रही थी, मुझे इसके बारे में कोई दिलचस्पी भी नहीं है और मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ। मेरा बस इतना ही कहना है कि मेरा जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है और मैं शपथ ग्रहण कर चुकी हूँ और आगे का कार्य जो भी होगा हम सब मिलजुल के अपने क्षेत्र में काम करने का काम करूँगी। इनका भी यही कहना है, ये भी बच रही हैं अपने पब्लिक को, बस ये इनका ये संदेश है कि आपने जिस इरादे के साथ हमें जिताया है, जिस लगन के साथ हमें वोट किया है, मैं उसका भरपूर कर्ज अदा करूँगी। जिस चीज़ के लिए मैं जिला परिषद बनी हूँ, जिस काम के लिए मैं बनी हूँ, वो काम मैं पब्लिक को दूंगी और वो काम मैं उनके लिए करूँगी। बाकी जो राजनीति है, बड़े लेवल की राजनीति है, उस पर ये कुछ भी नहीं कहना चाहती और पब्लिक से भी यही अपील कर रही है कि उस पर आपको ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझ पर मेरे पर भरोसा बनाए रखिए, मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी, यही कहना चाह रही हैं आप? जी बिल्कुल। सवालों से शायद आप बचने का कोशिश कर रही हैं। जो चीज़ मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जो राजनीतिक घटनाक्रम यहाँ पर हुई है, चर्चाओं का बाजार गर्म है, उन चीज़ों के ऊपर क्यों कुछ नहीं बोलना चाह रही हैं आप? लोग जानना चाह रहे हैं। जी, आने वाला समय में सारे पोल खुल जाएंगे और आपको भी इस चीज़ की जानकारी हो जाएगी, मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी। शायद ये भी बचने की कोशिश करें, लेकिन इन्होंने कमिटमेंट किया है कि आने वाला जो वक्त होगा, आने वाला जो समय होगा, सारे पोल खुलेंगे, सबकी हकीकत सामने आएगी, सभी बेनकाब होंगे, कहाँ कुछ हुआ है और किसने क्या कुछ किया है। तो ये थी गोड्डा की ने एक चर्चित जिला परिषद सदस्य बीबी नगमारा, जो दूसरी बार चुनाव जीत कर मैदान में आई हैं और सदस्य जो हैं उनका पदभार इनका हो चुका है और अब पब्लिक के बीच अपने काम को लेकर जाएंगे, जिसका नाम बोलता है, इनका काम बोलता है, उसी इरादे के साथ फिर ये पब्लिक के बीच जाने को तैयार है। धन्यवाद।